आदरणीय प्रधान आचार्य, अतिथिगण, सभी साथी शिक्षक और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ एकत्र होने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि हम यहाँ अपने स्कूल में शिक्षक दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं वास्तव में आज छात्रों के द्वारा मेरे प्रति और अन्य शिक्षकों के प्रति दिखाए गए प्यार और सम्मान से अभिभूत हूँ। मैं स्कूल के समस्त शिक्षकों की ओर से आज इस मंच पर आप सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षक के रूप में हमारा पूरा जीवन हमारे छात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। कक्षाएं आयोजित करने, होमवर्क देने, नोटबुक को सही करने आदि गतिविधियों में हम पूरे वर्ष यही काम करते हैं। हालांकि कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमें यह करना बहुत पसंद है। लेकिन आज हमें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से एक विश्राम मिला, एक तरोताजा करने वाला। सभी प्यारे छात्रों को हमारे प्रति दिखाए गए प्यार और करुणा के लिए धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मैं अपने प्रत्येक छात्र को मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता की देखभाल करता है, मैं अपने छात्रों के साथ ऐसे विशेष संबंध रखने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं यह भी स्वीकार करूँगा कि मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ और आप सभी के साथ सख्त हो जाता हूँ, लेकिन यह केवल आपको भटकने से रोकने के लिए है। स्कूल आपके सफलता की राह की नींव है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल करे। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी हुई कि हमारे स्कूल के छात्र शिक्षकों को बहुत सम्मान देते हैं और हम उनसे जो भी कहते हैं वह सब सुनते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र उत्कृष्ट बने और अपनी कड़ी मेहनत से हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। साथ ही हम अपने छात्रों पर दबाव नहीं डालना चाहते, उन्हें पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है जब वे खेल, कला, संगीत, नाटक आदि जैसे पाठ्योत्तर गतिविधियों में भी भाग लें। एक शिक्षक का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसके छात्र उस पर कितना विश्वास करते हैं। हम आप सभी प्यारे छात्रों को हम पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं और हम आप सभी के द्वारा दिए गए सम्मान का, भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकते। इस दिन मैं अपने प्रत्येक छात्र से अपील करना चाहूँगा कि पढ़ाई आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपको अपने जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कम से कम एक शौक में शामिल होना चाहिए, चाहे वह खेल हो, प्रश्नोत्तरी हो, कला हो या संगीत, नाटक, पेंटिंग हो, और हमेशा अपनी रुचियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह आपको आपके जीवन में और अधिक हासिल करने में मदद करेगा। हम सभी शिक्षक आपके समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिलकर आप सभी को नए क्षितिज पर ले जाएंगे, जहां आप अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा को खोज पाएंगे। आप सभी का मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।